मेरा नाम बाबर इकबाल है और मैं वर्ल्ड यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल हूँ, वर्ल्ड यंगेस्ट सर्टिफाइड इंटरनेट वेब प्रोफेशनल एसोसिएट हूँ और वर्ल्ड यंगेस्ट सर्टिफाइड वायरलेस नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। और अब 2009 में मैंने चौथा वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया जो कि माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट MCTS। ये हैं 12 साल बाबर इकबाल, जिनके दो बड़े भाई और बहन भी IT की दुनिया में काम कर रहे हैं, मैदान में इन दोनों पर बाजी ले गए। उनकी जिंदगी में कंप्यूटर का ये जुनून एक इत्तेफाक का मरहूने मिन्नत था। मुझे बचपन से ही शौक था और ये शुरू ऐसे हुआ कि एक दफा मेरे भाई कंप्यूटर पे काम कर रहे थे, जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें, तो वो अपना नाम स्क्रीन पे प्रिंट करा रहे थे। तो मैंने कहा मैं भी अपना नाम प्रिंट कराना चाहता हूँ स्क्रीन पे। उन्होंने कहा मैं तुम्हें ये करके नहीं दूंगा, तुम खुद करोगे। मैंने कहा चलें ठीक है, मुझे ये सिखाएं ये कैसे होता है। बाबर ने 12 साल की उम्र में दुबई में होने वाले माइक्रोसॉफ्ट टेक्निकल स्पेशलिस्ट डेवलपर के इम्तिहान में 91% नंबर लेकर आलमी रिकॉर्ड कायम किया। इससे पहले उन्होंने 2006 में सिर्फ 9 साल और 27 दिन की उम्र में माइक्रो सर्टिफिकेट प्रोफेशनल के इम्तिहान में 87% नंबर लेकर आलमी रिकॉर्ड कायम किया था। इस इम्तिहान में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की उम्रें 20 से 35 साल के दरमियान थी। अब कमसिन बाबर इकबाल मुत्तहदा अरब अमारात में अपने से कहीं बड़ी उम्र के लोगों को IT से मुतालिक उम्र में अपनी महारत फराहम करते हैं। आजकल मैं माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप गोल्फ का टेक्निकल कोऑर्डिनेटर हूँ, तो मैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को टेक्निकल हेल्प प्रोवाइड करता हूँ कोडिंग और इन डेवलपमेंट के बारे में, और साथ ही साथ मैं माइक्रोसॉफ्ट की एक नई टेक्नोलॉजी है माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस, ये एक मल्टी टच टेबल है जिसपे एक ह्यूमन इंटरफेस है, मतलब आप डायरेक्टली टच के जरिए इंटरेक्ट कर सकते हैं उस टेबल के साथ, तो उसकी एप्लीकेशन डेवलपमेंट में काम कर रहा हूँ। और साथ ही साथ मैं एक नई टेक्नोलॉजी है माइक्रोसॉफ्ट की XNA स्टूडियो, और वो है Xbox 360 और विंडोज की गेम डिवेलपमेंट के लिए, तो उसमें मैं काम कर रहा हूँ गेम्स की डिवेलपमेंट के लिए, फिजिक्स इंजन बना रहा हूँ। बाबर इकबाल के वालिद और उसके स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि बाबर इकबाल दीगर नॉर्मल बच्चों की तरह दूसरी सेहतमंदाना सरगर्मियों में भी भरपूर हिस्सा लेता है। स्कूल में भी नॉर्मल अपनी स्टडी में वो रहता था, स्कूल अटेंड करता था, ये ऐसी बात नहीं है कि ये 24 घंटे कंप्यूटर पर ही बैठा रहता था, नॉर्मल एक्टिविटीज भी इसकी चलती रहती थी, नॉर्मल लाइफ है जैसे आम बच्चों की है, स्कूल आना जाना एग्ज़ाम ये वो सब, और उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह ये फर्स्ट क्लास। मैं अब इंशाल्लाह माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट का एग्ज़ाम दूंगा। तो बाबर इकबाल हमारे बेहतरीन और ज़हीन तालिब इल्मों में से एक तालिब इल्म हैं जो नंबर वन से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे पास इन्होंने 36 क्लास में दाखिला लिया और रिकॉर्ड कायम किया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, वर्ल्ड का रिकॉर्ड कायम करके उन्होंने न सिर्फ बी खान का नाम रोशन किया बल्कि पूरे सूबा सरहद और पूरे पाकिस्तान का नाम पूरे बनी लगामी सत्ता पे बुलंद किया। बाबर इकबाल ने जो कुछ सीखा है वो मुस्तकबिल में अपने हम वतनों को भी सिखाना चाहते हैं, लेकिन इस सिलसिले में जो सहूलियात उन्हें खलीजी ममालिक दे रहे हैं वो पाकिस्तान में नहीं मिल सकती। मैं पाकिस्तानियों की मदद करना चाहता हूँ, उन्हें टेक्निकल हेल्प प्रोवाइड करना चाहता हूँ, लेकिन अभी ऐसी कोई पाकिस्तानियों की कोई सपोर्ट नहीं है खास कि मैं ये कर सकूं, क्योंकि गल्फ में मुझे सपोर्ट है तो मैं ये काम कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट के साथ प्रोग्राम में शामिल हूँ और ये काम कर रहा हूँ, टेक्निकल हेल्प प्रोवाइड कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को, और मुझे पाकिस्तान में चांस मिला तो मैं पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को टेक्निकल हेल्प प्रोवाइड करना चाहता हूँ और अभी भी मैं करूँगा। कोई अगर पाकिस्तानी मुझे कॉन्टैक्ट करे तो मैं उसे ज़रूर टेक्निकल हेल्प प्रोवाइड करूँगा।